भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आज बागी तेवर दिखाते हुए बिहार से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह को पहले बीजेपी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। पवन को उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें कहीं और का टिकट देगी, लेकिन कुछ देर पहले बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की जो आखिरी लिस्ट जारी की तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और पवन सिंह के हाथ खाली रह गया और कहीं से भी उनको टिकट नहीं मिला। पवन सिंह भाजपा के बड़े समर्थक हैं, लेकिन भाजपा की सूची के साथ बगावत का अंदेशा सामने आ रहा था। वो कांग्रेस की तरफ देख रहे थे क्योंकि उसे अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी है, लेकिन अब पवन सिंह ने बिहार में काराकाट सीट से उतरने का ऐलान कर दिया है। ये सीट महागठबंधन में भाकपा माले के पास है। ऐसे में पवन सिंह निर्दलीय होंगे, ये ज्यादा संभावना है। दरअसल जब भाजपा ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह के नाम का ऐलान किया था, इसके बाद पवन सिंह ने खुद ही ये सूची सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मिठाई खिलाते हुए और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो भी डाला गया, लेकिन 24 घंटे से पहले ही खुद ही पवन सिंह ने कहा कि वो आसनसोल सीट से उम्मीदवार नहीं हो सकते। भोजपुरी अभिनेता गायक ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये घोषणा कर दी है। इधर जैसे ही पवन सिंह ने ये बातें कही, उसके बाद ही तृणमूल के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति और शक्ति बताते हुए इसकी सराहना की है। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह भले ही आसनसोल से टिकट मिलने से खुश थे, लेकिन उनकी पहली पसंद आरा थी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक एक बार इस बारे में पवन सिंह भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से भी मिले थे ताकि उनको आरा से टिकट मिल जाए, लेकिन भाजपा ने आरा से उनको टिकट नहीं दिया। हालांकि एक दिन बाद ही पवन सिंह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी होगा सब ठीक होगा, लेकिन भाजपा ने आरआर सीट से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को फिर से टिकट दिया है। अब जब भाजपा ने आसनसोल का टिकट भी दूसरे को दे दिया तो पवन सिंह ने ऐलान के मुताबिक बिहार की काराकाट सीट से उतरने की घोषणा कर दी है। पवन सिंह ने पार्टी की जानकारी नहीं शेयर की, लेकिन सोशल मीडिया पर यह जरूर लिखा है, माता गुरु तरह भूमेरो, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा।